हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। आरटीआई में बड़ा खुलासा। जी हां, यह खुलासा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2017 का। आखिर इसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है जिसके बाद आप सभी लोग चकित रह जाएंगे। इससे पहले भी सरकार पर कई आरोप लगे हैं, लेकिन अब उन आरोपों को लेकर सवाल उठने इसलिए लाजमी हो गए हैं क्योंकि अब आरटीआई के जरिए खुलासा हो चुका है। जिस गीता महोत्सव सम्मेलन को, आयोजन को ये सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर मानती थी और कहती थी कि इस तरीके का आयोजन आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है, जो आयोजन बीजेपी की सरकार ने कर दिखाया, लेकिन अब इस आयोजन पर ही सवाल उठने लगे हैं। आप इस आयोजन पर करोड़ों रुपए जो खर्च हुए हैं उसी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जो खर्च का ब्यौरा है वो सुनकर, वो देखकर यकीनन आप सभी लोग चकित रह जाएंगे। 2017 में जो महोत्सव का आयोजन हुआ था उस समारोह में कुल 12.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। समारोह के प्रचार पर 71.26 लाख रुपए खर्च हुए और 4.25 लाख रुपए मात्र 10 भागवत गीता खरीदी गई। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपको बताएंगे हम, जिसके बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वो सरकार है जो कि काम का वादा करती है, विकास का वादा करती है, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय समारोह का जो दर्जा इसको मिला और उसके बाद इसमें जो इजाफा हुआ है इसके बजट पर, आज उसी को लेकर हम खास चर्चा करेंगे। खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रमन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, बहुत स्वागत है रमन जी आपका। रमन जी, गीता महोत्सव को लेकर कई बार चर्चाएं हुई हैं, कई बार विपक्ष ने भी सवाल उठाया है, लेकिन इसको ये कह के चुप करवा दिया गया कि कोई भी अच्छा काम किया जाता है तो विपक्ष ऐसे ही हो हल्ला करता है। लेकिन जो अब आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। और एक और बात, ये आरटीआई बड़ी ही आसानी से नहीं आई। इस आरटीआई की सच्चाई सामने आने में भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, कई गड़बड़ झालाओं का सामना करना पड़ा। ये जो आरटीआई कार्यकर्ता है, इनके साथ शायद मेरी मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी, मैं भी एक आरटीआई के सिलसिले में गया था, शायद इनको 2 साल के करीब लगे हैं इसका जवाब। बिल्कुल 2 साल। देखिए, सरकारों का काम धार्मिक कार्यक्रम करवाना नहीं है, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सरकारें कुंभ कराएंगी या गीता महोत्सव करवाएंगी। ये आपके पास एनजीओज हैं, आप बहुत शोर मचाते हैं कि हमारे पास संत समाज है, ये वो लोग करवाएं, और जो सरकारी संसाधन इस पे लगे हैं वो इस आरटीआई के अंदर खर्चा नहीं उसका आया है। जो सरकारी गाड़ियां घूमी होंगी, जो अफसरों का टाइम लगा होगा, जो पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होगी, वो सारा कुछ इसके अंदर नहीं। एक बार आपको रोकना चाहूंगी, जो हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये खुलासा किया है, पीपी कपूर जी, वो इस वक्त फोन लाइन पर है हमारे साथ। पीपी कपूर जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार। हाँ जी पीपी कपूर जी, जरा बताइए आरटीआई में जो कुछ भी सामने आया है और इस आरटीआई को लगाने में आपको जो कुछ भी झेलना पड़ा, क्योंकि इतनी आसानी से ये पारदर्शिता सबके सामने नहीं आ पाई है। जी, ये हमारे को 2 साल लग गए करीब ये सूचना लेने में, वो भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने सूचना दी 2 साल के अंदर के बाद। और इसमें पूरी तरह से अब ये खुलासा हो गया है कि ये जो धर्म के नाम पर जो आयोजन किए जा रहे हैं उसके अंदर पूरी तरह से करोड़ों रुपए की बंदर बांट की जा रही है। अपनी ही पार्टी के जो सांसद हैं, हेमा मालिनी हैं और मनोज तिवारी हैं, इनको एक डांस के मेहमा मालने को 25.25 लाख रुपए दे दिए, 15 लाख रुपए मनोज तिवारी को दे दिए, जबकि वहीं पर और जो जिनसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और जो 37.5 हजार रुपए की भागवत गीता खरीदी गई, और वो भी जो है आरएसएस के जो लीडर हैं मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख रामलाल, ऐसे आप ही खुद ये पैसे खर्च कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा धांधली है, इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये गलत है, गलत किया कर रखा है इन्होंने पूरी तरह से।
पीपी कपूर जी, इस बात से क्या साबित हो रहा है, क्योंकि एक तो ये आरटीआई लगने के बाद काफी वक्त लग गया कि इसका पूरा जो ब्यौरा है, आंकड़ा है, वो सबके सामने आ पाए, मतलब सरकार कहीं ना कहीं बचना चाह रही थी कि ये पता ही ना लग पाए कि कहां पर कितना पैसा खर्च कर दिया उन्होंने। ये साढ़े पैंतीस लाख के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन्होंने गिफ्ट बांटने पर जो है खर्चा दिखाया है, 71 लाख रुपए जो है इन्होंने विज्ञापन प्रचार पे दिखाया है। जब धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए इतना बड़ा ये पब्लिसिटी करने की, इतने गिफ्ट बांटने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ पूरी तरह से घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है इसके अंदर और धांधली की जा रही है, और इसीलिए इनको 2 साल लग गए ये जो सूचना देने में, जबकि ये सूचना तो बिल्कुल सार्वजनिक होनी चाहिए साथ के साथ, क्योंकि सबको हक है भाई कि कहां पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। और क्योंकि सरकार कहती है कि इस तरीके के आयोजन लोगों के लिए ही हैं, तो अगर लोगों के लिए हैं और अगर उन्हीं का पैसा लग रहा है तो लोगों को ये जानने का भी हक है कि ये पैसा कितना लगा है, और ये पैसा जो विकास कार्यों में खर्च हो सकता था, जो बेरोजगारों को नौकरियों देने में खर्च हो सकता था, उस पैसे का इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है और वाहवाही बटोरी जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। पीपी कपूर जी, अब आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत धांधलेबाजी है, बहुत घोटाला, आपको लगता है कि इस पर जांच होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए ये, और ये इस तरीके से पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है वो भी रोक होनी चाहिए, पूरी जांच भी होनी चाहिए इस चीज उस तरीके से। कपूर साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, इसके अंदर जो परचेजेस हुई हैं क्या वो टेंडर के थ्रू हुई हैं या मनमर्जी से हो गई? 4 रुपए की गीता खरीदी है वो एक ही बंदे से, एक ही पार्टी से खरीदी गई है, उसमें लिख दिया कि और मार्केट में किसी के पास थी नहीं, और ऐसे ही जो और भी है इन्होंने दिखाया है, लेकिन ये लगता है कि 2 साल के अंदर ये बिल तैयार करते रहे हैं, इसके तभी इन्होंने ये सूचनाएं दी है इन्होंने। और इसमें भी पीपी कपूर जी कुछ जो है गीता किसी और रकम की है, मतलब उसकी एमआरपी कुछ और बताई गई है, कुछ की एमआरपी कुछ और बताई गई है? हाँ जी। कपूर साहब, इसमें जीएसटी वगैरह जो टैक्सेस पे किए हैं उसकी कोई इन्होंने जानकारी आपको दी है? हाँ, उसमें दी है इन्होंने, जीएसटी भी वो दिखा रखा है इन्होंने की जीएसटी भी पे किया है, उसमें जो 12 लाख के करीब जो है इन्होंने सुलभ शौचालय, जो एक सुलभ इंटरनेशनल है कंपनी, उसको जो है इन्होंने करीब दिया है, उसमें 3 लाख रुपए जो है जीएसटी, यानी कि टॉयलेट के ऊपर भी जीएसटी ले रहे हैं, जो फिर से कह रहे हैं कि धार्मिक कार्य कर रहे हैं। और सारी ऐसी चीजें, चाहे एग्जीबिशन हो, सौंदर्यकरण हो, या फिर ई रिक्शा, मतलब सब में यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। पीपी कपूर जी, आपको कहाँ कहाँ लग रहा है जो संदेह उत्पन्न हुआ वो इन चीजों में आपको लग रहा है कि ज्यादा है? एक तो ये जो है सीधे तौर पे जो अपने भाजपा के जो सांसद है उनको इतने पैसे, 29 लाख रुपए एक डांस शो के, 15 लाख रुपए एक गीत का प्रोग्राम के, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 35.5 लाख रुपए, और ये 37,500 रुपए की जो भगवदगीता खरीदी जा रही है, 71 लाख रुपए विज्ञापनों के खर्च किए जा रहे हैं, हर चीज के अंदर इनका जो है वो मनमाना जो है वो कर रखा है इन्होंने, तो हर चीज का ये तो बड़े लेवल की इंक्वायरी हो, क्योंकि करेगा कौन, लेकिन उसके अंदर सरकार सीधे तौर पर शामिल है, माननीय राज्यपाल महोदय इसके चेयरमैन है क्षेत्र विकास बोर्ड के, और सीएम साहब जो है वाइस चेयरमैन है, तो इंक्वायरी कौन करेगा इसकी? आप इसकी रिपोर्ट क्या सीएजी को भेजेंगे, ये जो आपके पास जानकारी आई है? जी, बिल्कुल भेजूंगा मैं इसकी, जना क्योंकि सीएजी इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं करूंगा इसका जो है वही कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पीपी कपूर जी, आप जुड़े हमारे साथ। रमन जी, एक बात तो स्पष्ट हो गई है, चाहे हम जांच की कितनी बात कर लें या फिर हम कहें कि निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, लेकिन जब इसको खुलासा करने में ही इतना वक्त लग गया, और कहा यह भी जा रहा है कि जब आरटीआई लगी उसके बाद ही सब बिलिंग लगाए गए ताकि सब चीज जो है प्रूफ के साथ हो सके, आपको लगता है इस तरीके के खर्चों का ब्यौरा सरकार दे पाएगी, और ब्यौरों के साथ साथ अगर इसमें कहीं भी संदेह है तो उस संदेह की निष्पक्षता के साथ जांच हो पाएगी? नहीं, जांच तो आप भूल जाइए कि कोई जांच होगी, अगर इस मैटर को कोई कोर्ट में भी लेके जाएगा या आप किसी एजेंसी के पास भी लेके जाएंगे तो आप भूल जाइए कि बहुत जल्दी इसकी सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि मैं कुछ मैटर्स को लेके कोर्ट में जा रहा हूं और कोर्ट ये मानने से, ज्यूरिसडिक्शन मानने से इनकार कर रही है। उसकी दिक्कत ये है कि इस समय जो डर का माहौल बना दिया गया है कि आप अगर बोलोगे आपके पीछे गुंडे लग जाएंगे, आपको सोशली और गवर्नेंस के थ्रू आपको परेशान किया जाना शुरू हो जाएंगे, तो वो जांच वाला तो आप छोड़ दीजिए, पर ये जो घोटाला सामने आया है कि धर्म के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, ये एस्टेब्लिश हो गया। अब ये कोई ये नहीं कह सकता कि धर्म के नाम पे घोटाले नहीं हो रहे। दूसरी बात, आप
जो भी कोई भी प्लान सरकार लेके चलती है, क्या आपका पानी का जो प्लान था वो पूरा हो गया, क्या शिक्षा का प्लान पूरा हो गया, क्या चिकित्सा का प्लान पूरा हो गया, क्या सोशल सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी, ये सब पूरे हो गए? जी, बात यही है कि जो काम डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए था, जो पैसा खर्च होना चाहिए आम जनता की सहूलियत के लिए कि उनको बुनियादी सुविधाएं हम दे पाए, वो पैसा कहां पर खर्च हमारी सरकार कर रही है उसका पूरा ब्यौरा हम देख रहे हैं। इसके अंदर तो अभी पूरा ब्यौरा दिया ही नहीं गया है। अगर इसके आप बैलेंस शीट निकाल के देखेंगे तो आपको बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आएंगी। एक कलेक्शन होती है, एक सरकार पैसा देती है, वहां पे दान में भी पैसे आए होंगे, वो कहाँ गए? वो तो कहीं फ्लैश ही नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो फ्लैश नहीं इसके अंदर हो रही है। आप जो भी खर्चा करते हैं उसकी एक ऑडिटिंग होती है, वो ऑडिटिंग कहाँ है? क्या सरकार ने ऑडिट ही नहीं कराया? अपनी मर्जी से खर्चा करते चले गए। अगर सरकार को ये गीता 33,500 रुपए की जेन्युइन लगती है तो उसके अंदर ऐसा क्या था जो सिर्फ 7 लोगों को दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? बाकी मंत्रियों को नहीं दिया गया? और भी लोग होंगे जिनको नहीं दिया गया, सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी देना चाहिए था। ऐसी गीता तो सबको देखनी चाहिए क्योंकि ये तो हमारे सम्मान के योग्य है। आपने ये किससे परमिशन ली कि हम ये वाली गीता परचेज करेंगे, हम सादी गीता नहीं लेंगे? क्या उसके कंटेंट में कोई फर्क आ जाता है? या इस गीता को पढ़ने के बाद आपको धार्मिक ज्ञान ज्यादा होगा और दूसरी गीता से नहीं होगा? तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो चुके हैं। और जहां तक अभी तक बात चल रही थी, मैंने शायद आपके साथ 4-5 शो किए होंगे या आपके चैनल के साथ मैंने करीब 15-20 ऐसे शो किए होंगे जिनके ऊपर करप्शन है पर उसकी जांच नहीं है। जब मीडिया में आने के बाद सरकार इतनी बेशर्मी के साथ उस चीज को टाल रही है तो लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ये पब्लिक मनी है, ये किसी के घर का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक को अपने पैसे की सुरक्षा करनी चाहिए। आपने कांग्रेस के ऊपर बहुत इल्जाम लगाए थे, उन सब की जांच हुई, उन सब के कोर्ट के थ्रू फैसले आए, बहुत सारे लोग बरी हो गए, कुछ को सजा भी हुई होगी। आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, जांच स्टेट का हक है, जनता का हक है। जब आप ईमानदारी के दावे करते हैं तो आपको अग्नि परीक्षा में से निकलना पड़ेगा। रमन जी, बिल्कुल ये बात है कि आपने इतना पैसा खर्च किया और उसका जो ब्यौरा है, कहा तो ये जा रहा कि यही है, लेकिन जैसे आपने भी जिक्र किया कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी परचेजिंग हुई होंगी जिस बात का जिक्र इस तरीके की आरटीआई में नहीं दिया गया, या फिर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उसको छुपाने की कोशिश की गई हो। लेकिन ये सरकार जिस पर इससे पहले भी आरोप लगे थे कि वो काम के बजाय बाकी की जो चीजें हैं उनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, अब ऐसे में जनता का पैसा जिसको जनता के लिए इस्तेमाल किया जाना था, विपक्ष ने भी हालांकि इसको लेकर मुद्दा उठाया, आपको लगता है कि इस मुद्दे को उस तरीके से भी विपक्ष नहीं उठा पाया ताकि कम से कम आम लोगों को ये पता तो चले, या फिर विपक्ष इस बात को आम लोगों तक पहुंचा तो पाए कि आपका जो पैसा है वो खर्च कहां हो रहा है, आपको क्या इस बात की जानकारी है? विपक्ष तो बोला ही नहीं इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि जो ये जितने भी ऐसे खर्चे हो रहे हैं या ऐसे आयोजन हो रहे हैं वहां पे तो विपक्ष जाता ही नहीं है, देखता ही नहीं है कि हो क्या रहा है और इसका असल में रिजल्ट्स क्या आएंगे। क्योंकि ये जितनी भी चीजें सरकार जो भी करती है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में करती है या स्टेट के इंटरेस्ट में करती है और उसका पैसा भी उसी खाते में दिखाया जाता है। जब आपने देखा ही नहीं, आपने आवाज नहीं उठाई, आपने इन्फॉर्मेशन लेने की भी कोशिश नहीं की, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे तो क्या कार्रवाई करेंगे? विपक्ष को छोड़ दीजिए, जो जनता लगी हुई है इनके पीछे, जनता अपने पैसों का हिसाब मांग रही है। अगर मेरे जैसे लोग, ये कपूर साहब ने जैसे ये किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये बता सकता हूं, इसके अंदर ये जो अभी खर्चे का हिसाब आया है ये करीब 10-15-20% के आसपास का हिसाब दिया गया है, पूरा हिसाब नहीं दिया गया। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छुपा ली गई हैं। आप आयोजन की बात की, जब आप बात करते हैं तो जो इसकी मीटिंग्स के ऊपर खर्चा आता है, जो एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, उन सब का हिसाब देना चाहिए था। और सिर्फ कलाकार ही नहीं आए होंगे वहां पे, और संत समाज के लोग आए होंगे उनके रहने खाने का, जो जिनको फ्री में खिलाया होगा, फ्री में ठहराया होगा, वो खर्चा तो है ही नहीं है। ऑब्लिगेशन दे रखे हैं साउंड सिस्टम से लेकर कलाकारों का, नहीं वो छोटी मोटी चीजें। ऐसा होता है कि ऐसे आयोजन के अंदर रोज आप 100 गेस्ट बुलाते हो, उन 100 गेस्ट का रोज का अप्रोक्सीमेटली एक खर्चा 10,000 रुपए पर गेस्ट आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता। वो किस खाते में आपने डाला वो इसके अंदर है नहीं, मैं इसको जब पढ़ रहा था तो इसके अंदर है नहीं। और इसके बाद आपने जनता के लिए क्या किया, जो परमानेंट फिक्स्चर्स थे वो क्या हुए?
इस तरीके के आयोजन से या इस तरीके का पूरा समारोह करने से आम लोगों को क्या फायदा होता है रमन जी? क्योंकि सरकार तो कहती है कि ये सोच अच्छी है, लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन आप बताइए जरा, आपसे हम समझते हैं कि लोगों को क्या फायदा इससे हुआ है? क्योंकि ये तो हर साल का आयोजन है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेके जाया जा रहा है, गीता पढ़ाने के लिए स्कूल में भी कहा जा रहा है, लेकिन इस तरीके के अगर भव्य आयोजन कोई भी सरकार करवाती है, लोगों का कैसे इसमें विकास हो रहा है, लोगों का सीधा इन्वॉल्वमेंट इसमें हो कैसे रहा है? नहीं, खट्टर साहब को फिर तो चाहिए, अगर ये सरकार अपना दावा पेश कर रही है कि इससे जनता को फायदा हो रहा है, तो रामलीला करवानी शुरू कर दे, दशहरा आयोजन कराना शुरू कर दे, ये सारे आप करवाने शुरू कर दीजिए, आप बाकी चीजें सारी बंद कर दीजिए, आप ये करवाइए। दूसरी बात यह है कि आपने लैंग्वेज को लेकर क्या किया, आप गीता की बात करते हैं, गीता के अंदर संस्कृत है, आपने संस्कृत को लेके क्या किया, क्या संस्कृत को लेके आपने जॉब क्रिएशन किया है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों को 20,000 रुपए महीना या 25,000 रुपए महीना उनको नौकरी मिलेगी जब वो कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, और नए कोर्स उसके ऊपर आप क्या क्या खोज कर रहे हैं संस्कृत के ऊपर, ये आप सारा आप निकाल के लेके आइए, तब पता चलेगा इनके फायदे क्या हैं। अगर आपने सिर्फ एक आयोजन कर लिया, उससे आपने एडवर्टीजमेंट अपनी कर ली सरकार की, आपने जो अपनी फोटो चमकानी थी वो न्यूज़पेपर में, मतलब रमन जी पूरी तरीके से हम देखें तो सरकार इसको बेशक उपलब्धि के तौर पर अपनी मानती है बहुत बड़ी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना प्रमोशन करना है, अपनी पीठ थपथपाना है इसका मकसद? बिल्कुल, उसके अंदर और लोगों से कोई सरोकार नहीं है। भगवान कृष्ण को या महाभारत को हर भारतीय जानता है, आप उसका एक आयोजन कर रहे हैं तो वहां पे कुरुक्षेत्रा में जो सिस्टम बना हुआ है, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो परमानेंट है, ब्रह्म सरोवर है वो बहुत पुराना है, वो आज का नहीं है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो खर्चे आपने दिखाए हैं ये खर्चे तो करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको परमानेंट कर दीजिए, वहां पे आपको इनकम आएगी, आप उसको एक तीर्थ बनाइए जहां पे लोग जाएं, लोग अपना पैसा खर्च करें, जो भी उसकी मेंटेनेंस का है आप मेंटेनेंस कॉस्ट निकालिए, लोगों इतनी धार्मिक भावनाएं उमड़ रही हैं लोगों की, तो वो वहां पे पैसे देके भी देखेंगे, आप वो तो कर नहीं रहे हो, आप ऊपर से खर्चा कर रहे हो। अब ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन में, मेरे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा में अगर आप एजुकेशन घर घर तक पहुंचा देंगे तो हरियाणा अपने आप चमक जाएगा। आज हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाहर से आके लोग जॉब कर रहे हैं, और यहाँ का जो लड़का है वो बेरोजगार है, उसके रीजन क्या है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। और आज आप इस सिस्टम के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर हुआ क्या, अगर आप इस सिस्टम को देखें, हर कोई स्कूल में शिक्षक तो बनना चाहता है पर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दिलाना चाहता, उसके रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपने वो सिस्टम, वो व्यवस्थाएं खत्म कर दी। मैं सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूं, मेरे साथ के करीब 22 आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं, हम सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन में, मैं तो प्राइवेट स्कूल में गया ही नहीं, मैं प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं गया, मैं तो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में। हाँ। तो वो एजुकेशन आपने खत्म कर दी, इसका मतलब रमन जी आपको लगता है कि अगर इस तरीके के खुलासे होते हैं तो सरकार पर कुछ असर पड़ेगा, सरकार सोचेगी कि कम से कम खर्च कम किया जाए या फिर कुछ इस तरीके का एजेंडा तैयार किया जाए, स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि लोगों की डेवलपमेंट में ये पैसा ज्यादा खर्च किया जाए बजाय किस तरीके के आयोजनों के? आपको लगता है फर्क पड़ेगा? जो सरकार ये कह रही है कि यहाँ पे नारी सुरक्षा होगी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ अभियान जो है वो चरम के ऊपर है और सारे यहाँ से देख रहे हैं, जबकि यहाँ पे कितने रेप हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री को याद नहीं रहते हैं। बिल्कुल। और आपको ये भी नहीं पता है कि आपने बेटियों की एजुकेशन के लिए एडिशनल क्या किया, आप सारा हिसाब किताब लेके आइए ना, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग सच को मानने के लिए ये सिर्फ एलिगेशन लगाना जानते हैं, किसी की आलोचना इनसे आप करवा लीजिए, अपने आप को बहुत बेहतर करते रहेंगे। आप बेहतर जब तक आप तुलना नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? आपने कितनी नई यूनिवर्सिटीज खोली जो कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी के मुकाबले की हैं? अगर आप 3 एकड़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हो तो उसका औचित्य क्या है, उसके अंदर क्या क्या आप लेके आओगे? अगर आप सिर्फ एक स्ट्रीम के लिए यूनिवर्सिटी खोल रहे हो तो वो तो कॉलेज भी कर सकता है, तो आप लोगों को बहका रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। लोगों को बहकाया जा रहा है और साथ ही उन्हीं का जो विकास होना चाहिए वो ना होकर किसी और तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमन जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ। अब इस तरीके के खुलासों के बाद एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार पैसा कहां पर खर्च कर रही है, जनता ये जान चुकी है, और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही था कि आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उस खुलासे के बाद
सरकार की आगे प्रतिक्रिया क्या इस पर रहेगी? सरकार आखिरकार अगर इस तरीके के आयोजन कराती है और अगर उस पर लगता है कि कुछ जो धन है वो गलत तरीके से हो रहा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, तो उसके लिए सरकार आगे क्या कुछ रणनीति तैयार करती है, ये जरूर हमें देखना होगा। फिलहाल खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।